गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एडिशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो आप एडिशंस तो जानते हैं, एडिशंस आपने अब सीखे हैं कि एडिशंस मींस क्या होता है, नंबर्स को जोड़ना, आपस में क्या करना, ऐड करना। तो एडिशंस की क्या होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वन बाय वन हम थ्री प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वन बाय वन हम तीनों प्रॉपर्टी देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, ज़ीरो, किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर हो, अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, बिना ऐड करे हमारा आंसर जो नंबर हम ऐड करते हैं वो ही आ जाता है। जैसे फोर में मैंने ज़ीरो ऐड करा तो आंसर क्या आ गया मेरा, फोर। या कोई भी नंबर हो, 199 में मैंने ज़ीरो ऐड करा मीन्स 199, मीन्स किसी भी नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो वो ही नंबर हमारा आंसर में आता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई आपकी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे फोर में मैंने थ्री ऐड करा डेट इज़ आंसर इज सेवन, एंड थ्री में फोर ऐड करो तो भी आंसर क्या आएगा, सेवन। मीन्स नंबर्स की अगर हम ऑर्डर को भी चेंज कर दें, डजेंट मीन कि फोर ही पहले थ्री में ऐड करा जाएगा या थ्री ही फोर में ऐड करा जाएगा, फोर में थ्री ऐड करें आंसर भी सेवन आएगा, या थ्री में फोर ऐड करें तो भी आंसर क्या आएगा आपका, सेवन। मीन्स नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर अगर हम कर दें तो आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, सम जो आएगा वो सेम ही आएगा। मीन्स नंबर्स के अगर हम ऑर्डर को भी रिप्लेस कर देते हैं तो आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम सपोज फोर प्लस थ्री एक साथ लिखे हुए हैं एक ग्रुप में एंड फाइव हमारा अलग लिखा हुआ है तो आंसर क्या आया, फोर में थ्री ऐड करेंगे डैट इज सेवन, एंड सेवन में फाइव ऐड करा ट्वेल्व। या इस तरीके से लिखा हुआ हो, फोर हमारा अकेले लिखा हुआ हो एंड थ्री और फाइव एक साथ लिखे हुए एक ग्रुप में लिखे हुए हैं तो भी आंसर क्या आएगा, फोर प्लस एट डैट इज़ ट्वेल्व। मीन्स ग्रुप चेंज हो जाए, डजेंट मीन कि ग्रुप चेंज हो जाता है। ग्रुप चेंज कैसे हुआ, पहले फोर किसके साथ था, थ्री के साथ, नाउ थ्री अब किसके साथ हो गया, फाइव के साथ। ग्रुप चेंज करने से भी आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है, सम जो आएगा नंबर्स का वो सेम आएगा। या तो हम ग्रुप्स को चेंज भी कर दें तो भी हमारा सम नंबर्स का सेम आएगा। इसी तरीके से नंबर्स के ऑर्डर को भी रिप्लेस कर दें तो भी आंसर हमारा क्या आएगा, सेम। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ थी एडिशन की। वन बाई वन हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो वो ही नंबर हमारा आता है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि दो नंबर्स का सम उनके ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है, या तो फोर में थ्री ऐड कर लो पहले या थ्री में फोर ऐड कर लो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि नंबर्स का सम उस पर डिपेंड नहीं करता कि वो किस तरीके से ग्रुप है, अगर उनकी हम ग्रुपिंग को भी चेंज कर देते हैं तो नंबर्स का सम भी तो नंबर्स के सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सम जो आएगा वो सेम ही आएगा। तो ये कुछ थ्री प्रॉपर्टीज थी। आप सबको समझ में आए।